हरियाणा गठबंधन सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा अब चरम पर है। इसका उदाहरण आज हरियाणा के अंबाला में देखने को मिला, जहां किसानों ने गांव के बाहर बीजेपी जेजेपी के बहिष्कार के पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टरों पर किसानों ने स्पष्ट लिखा है कि जो किसान के समर्थन में खड़ा होगा उसे ही गाँव में दाखिल होने दिया जाएगा। कृषि अध्यादेश सरकार के गले की फांस बनते जा रहे हैं। ऐसे में अब किसानों ने बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इसी के चलते अंबाला के जलबेड़ा गांव की एंट्री पर ही किसानों ने बीजेपी जेजेपी पार्टी के पूर्ण बहिष्कार के पोस्टर लगा दिए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं की जाती तब तक गाँव में किसी भी भाजपा या जजपा नेता को नहीं आने दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांग मान ले तो सभी का स्वागत किया जाएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी जेजेपी का गांव में पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। भाई साहब हम इन्हें बहुत तंग कर रखे, बेहद तंग कर दिए, कुछ भी नहीं मारा कर रहे हैं ये किसान, तो ऐसा कर दिया ना, जब ही खत्म कर दिया किसान मनी छोटी पक्की। और ये सर ये आपने बीजेपी जेजेपी के बहिष्कार के बैनर्स लगाए हैं, क्या कारण है और क्या कुछ साबित हो रहा है इसका? ये कारण सबसे मुख्य कारण ये है कि सरकार ने 3 काले अध्यादेश लाए हैं किसानों के विरुद्ध, जिसके कारण से हम बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं, सभी गांवों में कर रहे हैं, पूरे हरियाणा लेवल पे कर रहे हैं। क्योंकि किसान पहले ही कुछ तो कुदरत की मार में दब रहा है और ऊपर से अब सरकार ने काले कानून किसान के ऊपर थोप दिए हैं। किसान की आय तो पहले ही कम है, ऊपर से सरकार कह रही है कि ऐसे चलो वैसे चलो। अब दुष्यंत चौटाला कह रहा था कि 25 तारीख को खरीद शुरू हो जाएगी और किसान की फसल आज मंडी में किसी की मंडी में पड़ी है, किसी के घर पर पड़ी है, फसल अब तक शुरू नहीं हुई खरीद। 1 तारीख का टाइम दे रखा है, क्या पता उसमें भी हो या ना हो। बीजेपी या जेजेपी का वर्कर गांव में आता है तो क्या कुछ किया जाएगा? उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे जी, उसका विरोध किया जाएगा, गांव की एंट्री में बैन है उनका, गांव में नहीं बढ़ने दिया जाएगा उनको। हमारी मांगों को मान ले जो मर्जी आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पोस्टर लगाए हैं क्या इसका कारण है और अगर कोई बीजेपी जेजेपी का वर्कर आता है तो क्या? ये तो यही कारण है जैसे भाई साहब ने बताया, अभी किसान आजकल कर्जे के तले दबा हुआ है तो ये ना फसल उठा रहे हैं। हमारी 25 तारीख की जो इन्होंने बात बोली है, अभी दुष्यंत चौटाला जी बोल रहे थे, वो भी आज तक खरीद शुरू नहीं हुई, पहली को भी पता नहीं भी 1 तारीख को ये हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो गाँव में आने का जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका ये भी हमारी मांगे पूरी कर दें, जो भी आएगा स्वागत किया जाएगा। पहले तो हमारा जो एजेंडा है वो ही स्वामीनाथन रिपोर्ट है, ये है वो लागू कर दें, कोई दिक्कत ही नहीं है।